अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एसआरजी फैमिली को मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं 11 बजे यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, और अभी तक इधर ही हूँ। जुमे की नमाज़ अभी पढ़ी है मस्जिद में यहीं पर, ठीक है। तो ऐसे सुनने में आ रहा था कि भाई कल से छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं और 24 तक छुट्टियाँ हैं, 25 को जुमा है और फिर 26 को फिर हफ्ते एतवार शुरू हो जाता है, तो बाद जाके 26, 27, 28, 29 पर चली जाती है। तो इस बिना पे फिर यहाँ पे आए थे कि शायद आज फिर ज़्यादा इम्कान थे, कभी वो फैसला जो उन्होंने बहुत ही महफूज किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा महफूज किया हुआ है, तो उसको शायद वो जो है ना पब्लिक कर दें। लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे आऊँ तो पता चला है कि जी नंबर एक तो ये कि भाई इनकी 22 से लेके 24 तक छुट्टियाँ हैं, तो बाकी ये प्रेजेंट रहेंगे, हाजिर रहेंगे, ठीक है, ये पता चला है। दूसरा ये है कि मुझे नज़र आया रहीम जान, वो जो प्रेजेंट करता था यूट्यूब पर आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वालों को, ठीक है, तो वो मुझे मिला है। तो मुझे ये उसने बताया कि जी ये जो लड़का था सोहेल, जिसके हाई कोर्ट में ज़मानत हुई थी 5 लाख मचलकों के हौज, ठीक है, तो मुझे वो मिला अभी। वो उससे का जो रहीम जान उर्फ जानी है, इसका तो कोई बीफारू से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो लड़के की सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और उसने शिकवा किया कि यार बीफारू के किसी लीडर ने और बीफारू ने इस बंदे को सपोर्ट नहीं किया, सोहेल जो आईटी वाला के हिसाब से गिरफ़्तार हुआ था, तो वो उसके मचलकों का बंदोबस्त कर रहा था ज़ाती तौर पे ना, और वो 5 लाख मचलकों का वो बंदोबस्त कर रहा था और वो वकील उसके साथ था और वो मुझे उस मिले भी है। तो हसब तोफ़ी हसब रिवायत उसने मेरे साथ एक पिक्चर भी बनाई, ठीक है, लेकिन यह है कि वो ये भी मैंने कहा चलो आपको साथ साथ इसका भी अपडेट दे दूँ। तो अभी देखें क्या होता है। एक तो वो बात जो कि कल से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, वो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि इनकी छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं जो है ना वो 22 से 24 तक, बाकी ये इधर होंगे 24-25 को ये प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, वो क्योंकि बीच में 23 मार्च भी है और ये है ना इस वजह से। तो बाकी ये कि अभी हैं, अभी टाइम है, ठीक है, देखते हैं शाम तक अगर ये जो उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है अगर ये उन्होंने जारी कर दिया तो मैं आपको जो है ना वो अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ अपनी ड्यूटी दे के मैं शाम तक असर तक 5 बजे तक फिर मैं लास्ट टाइम से दोबारा आप लोगों से रब्ता करूंगा। बीच में अगर कोई दोस्त कॉल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अपडेट अगर कोई हुई तो मैं खुद ही आप लोगों को जो है ना वो बता दूंगा। बाकी जो है ना सैफुर रहमान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने राजा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी लीगल एडवाइज़र है या जो भी है उनका काम है कि वो वकीलों से बात करके और कानूनी लिहाज से जो है ना, ये तो अलग है कि भाई ज़मानत अभी जारी करते हैं या नहीं करते हैं।